गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 नीलू पेज नंबर 34 का आधा पार्ट पढ़ चुके थे। अब आज हम उसके आगे का पढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा था एक लूसी थी, तो उसके छोटा सा एक डॉगी हुआ बच्चा, और वो बहुत ठंड में क्या हो गई, सामान लेने गई थी और लकड़बग्घी का शिकार हो गई, क्योंकि उसकी सूंघने की शक्ति ठंड में कम हो जाती है, तो उसकी भी सूंघने की शक्ति कम हो गई थी, जिससे वो लकड़बग्घे के आने की आहट नहीं पाई और वो उसका शिकार हो गई। अब उसने जो छोटे से बच्चे को जन्म दिया था, वो क्या कर रहा था, सभी लोग यानी जितने भी व्यक्ति थे पड़ोस में, वो सभी लोग रोए, किंतु वो छोटा बच्चा रोया जरूर, परंतु अपनी माँ के लिए नहीं। वो किसके लिए रोया, दूध के लिए रो रहा था, और दूध के लिए रोया, और उसको वहाँ पर रजाई भी उड़ाई गई ठंड में, परंतु उसको वो उष्णता नहीं मिल रही थी जो उसको माँ से मिलती थी। उसको किसने, डलिए में जो आधे बुने स्वेटर थी उसमें डाल दिया, और उसके ऊपर ऊन की और स्वेटर डाल दी, जिससे कि उसको गर्माहट मिले, और वो फिर उसमें गर्माहट पाके क्या हुआ, सो गया। और वो कैसा था, भूरा और पीला, उसकी आंखें बड़ी बड़ी, और ऐसा लगता था आधा धूप और आधा छांव का कलर हो। और उसके जो भूटिए यानी उसके पापा जी जैसे कैसा था, वो पैर उसके समान लंबे थे और पंजे मजबूत थे और चौड़े नाखून थे, और वो गोल गोल उसकी आंखें थी और कैसी थी, शहद के रंग के समान, और धूप में वो कैसी दिखती थी, तरल और सुनहरा दिखता था, ठीक है। और उसकी आकृति जो उसकी बनावट, उसकी विशेषता क्या थी, उसमें बल और स्वभाव उसका दिखता था। अब आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। देखिए क्या है, आकृति की विशेषता के साथ उसके बल और स्वभाव में भी विशेषता थी। ऊंची दीवार भी वह एक छलांग में पार कर लेता था, यानी ऊंची दीवार थी और वो एक छलांग लगाता था और पार हो जाता था। रात्रि में उसका एक बार भौंकना भी वातावरण की स्तब्धता को कंपित कर देता था, यानी वो ऐसे भौंकता था जो बिल्कुल सन्नाटा छाया रहता था, वो सब कांप जाते थे। मैंने अनेक कुत्ते देखे और पाले हैं, किंतु कुत्ते के दैन से रहित और उसके लिए अलब्ध दर्प से युक्त मैंने केवल नीलू को ही देखा। यानी कुत्ते तो बहुत देखे उन्होंने और पाले भी, किंतु वो अलग था, सबसे अलग, यानी दर्पण से सबसे अलग था। उसके प्रिय से प्रिय खाद्य को भी यदि अवज्ञा के साथ फेंक कर दिया जाता तो वह उसकी ओर देखता तक भी नहीं था। यानी जो उसको खाना बहुत पसंद था और अगर उसको फेंक कर देते तो वो खाने की तो बात दूसरी है, देखता तक नहीं था, ठीक है। खाना, उसे किसी बात पर झिड़क भी दिया जाता तो बिना मनाए वह मेरे सामने ही ना आता था। यानी उसको कोई बात पे डांट देते, झिड़क देते तो उसको मनाते, फिर वो आता, ठीक है। विगत 12 वर्षों से उसका बैठने का स्थान मेरे घर का बाहरी बरामदा ही रहा। यानी 12 वर्ष रहा, कहाँ बैठता था,
बाहर के बरामदे में, जिसकी ऊपरी सीढ़ी पर बैठकर वह प्रत्येक आने जाने वाले का निरीक्षण करता रहता। ठीक है, उसके ऊपर वाली बरामदे की ऊपर वाली सीढ़ी है उस पर बैठ जाता वो, और सबको देखता रहता कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। मुझसे मिलने वालों में वह प्रायः सबको पहचानता था, जो यानी लेखिका के परिचित थे, जो मिलने वाले थे उनको वे बहुत अच्छी तरह से वो पहचानता था। किसी विशेष परिचित को आया हुआ देखकर वह धीरे धीरे भीतर आकर मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो जाता था। यानी वो कोई विशेष लोग आए ऐसे सबको पहचानता था, किंतु जो विशेष लोग आते थे तो वो क्या करता था, धीरे धीरे भीतर आता और कमरे के दरवाजे पर क्या हो जाता था, खड़ा। अब पेज नंबर 35 पर आ जाइए। उसका इस प्रकार आना ही मेरे लिए किसी मित्र की उपस्थिति की सूचना थी। यानी वो समझ जाती थी लेखिका कि मेरा कोई मित्र मेरे से मिलने आया है। मुझसे आ रही हूँ सुनने के उपरांत वह पुनः बाहर अपने निश्चित स्थान पर जा बैठता था। यानी लेखिका कहती कि आ रही हूँ, तो वो फिर जाता और अपनी जगह पर बैठ जाता था। कुत्ते भाषा नहीं जानते, कुत्ते क्या नहीं जानते, भाषा, केवल ध्वनि पहचानते हैं। क्या पहचानते हैं, केवल ध्वनि यानी साउंड, आवाज पहचानते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।